हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नम्रता आर्ट एंड एजुकेशन। आज हम राष्ट्रीय किसान दिवस पर हिंदी में 10 लाइन का निबंध लिखेंगे। चलिए लिखना शुरू करते हैं। नंबर एक, नंबर एक, राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। नंबर दो, नंबर दो, चौधरी चरण सिंह ने किसानों को बेहतर जीवन प्रदान करने की दिशा में काम किया, इसलिए उन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। नंबर तीन, thank you.
नंबर 3, भारत में किसानों को देश की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। नंबर 4, नंबर 4, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में किसानों का बहुत महत्व। नंबर 5, नंबर 5, किसानों के द्वारा राष्ट्र निर्माण में दिए जा रहे सहयोग को दर्शाना और उनका आदर सम्मान करना किसान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य। नंबर 6, We'll be right back.
नंबर 6, किसानों को अन्नदाता के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे भोजन के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 7, नंबर 7, किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है, इसलिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नंबर 8, नंबर 8, राष्ट्रीय किसान दिवस मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत पूरे भारत में मनाया जाता है। नंबर 9,
नंबर 9, भारतीय किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि। नंबर 10, नंबर 10, हमें अपने अन्नदाता किसानों का हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि वे हमें भोजन उपलब्ध कराने के लिए कई संघर्षों का सामना करते हैं। फ्रेंड्स, इफ माय वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।